प्रोफेसर सुनंदा शास्त्री स्मृति व्याख्यान में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। सभी व्यवस्था के अनुरूप मैं मंचासीन अपने समस्त आदरणीय जनों से निवेदन करता हूं कि वो द्वीप प्रज्वलन एवं प्रोफेसर सुनंदा शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि द्वारा कार्यक्रम का शुरुआत करें। मैं वैदिक विभाग के शोध छात्र ऋषिकांत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करें। ऋषिकांत जी। हरि ओम तत्सत् दुर्लभम त्रयमेतत् देवानुग्रहमे हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षत्वम् महापुरुष संश्रयम् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योयम क्लेद्योशोष्य एव च नित्यस्सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते कर्मव्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरा असक्तोऽस्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणेभिः संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्म प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणं जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपा अन्तकाले च मामेव स्मरन् उक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समुद्मद्भावं याति न नास्त्यत्र संशयः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्य यस्य संशयः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णषण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरब्जयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धां विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्तन् सतन्ति कर्मबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्थेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः
द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संनिर्गच्छन्ति मूढ़ाः पदमव्ययन्तत् एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। मैं अपने बौद्ध भंतों को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और बुद्ध वंदना द्वारा इस कार्यक्रम को ऊर्जा प्रदान करें। नमो दस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो दस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो दस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति विशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विचारचरणसंपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो बुरिसदम्मसारथि सद्धादेवमनुस्सानं बुद्धो भगवादि स्वखादो भगवता धम्मो संदिथिको अकालिको एपसिगोपनयिको पच्छद्धं वैरिदम्भो विन्युहिरि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उचुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यरिरं चत्तारि पुरिसयुगानि अर्थपुरिसपुक्कल एष भगवतो सावकसंगो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाली सनिदुःखभयपट्ट च निर्भय शोकपट्ट च निःशोकाहुन्तु सवे पिपानिनो च अम्बेहि संवरं पुण्यसंवरम् सभे देवानुमोदन्तु सपसम्पत्तिसिद्धिया धनं ददन्तु सदाय शीलं रखन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सभे बुधा बलभट्टा पच्छकानं चयं बलं अरहन्तानं च देजेनारकं वन्दामि सर्वसो आकाशथा सभूमथा देवानागामहैदिका तेनदङ्गन्मोरन्तु चिरं रखन्तु शासनं आकाशथा सभूमथा देवानागामहैदिका पुयन्तङ्गन्मोरन्तु चिरं रखन्तु शासनं आकाशथा सभूमथा देवानागामहैदिका दशावदसंहारा उपादावयदम्बिनो उपेजद्वा निरुञ्जन्ति तेषाम् उपशमो सुखो साधु साधु साधु। धन्यवाद। बुद्धवंदना के अनंतर मैं समागत अतिथियों के स्वागत हेतु अपने बुद्धिस्ट स्टडी विभाग के डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा सर को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रामदेव भारद्वाज जी कुलपति श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को पुष्प तुलसी पादप देकर स्वागत करें। मैं डॉक्टर नवीन दीक्षित सर को जो है आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे वक्ता इतिहासकार श्री राजीव चौबे सर को तुलसी पादप देकर सम्मानित करें। मैं वाचिक स्वागत के लिए अपने कुल के मुखिया प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वो वाचिक स्वागत द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करें। प्रोफेसर भारद्वाज जी, श्री चौबे जी और मंचस्थ अन्य महानुभाव, मेरे प्रिय अध्यापक और विद्यार्थी मित्रों, मैं हमारी सांची विश्वविद्यालय की तरफ से
परिवार की तरफ से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे ये पता नहीं था, दो तीन दिन पहले प्राध्यापक वर्ग मेरे पास आया, उन्होंने कहा हम मैडम के स्मृति में व्याख्यान रखना चाहते हैं। मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी से कुछ मांगना नहीं, एक स्वतंत्र रूप में यदि आप करना चाहते हैं आप कीजिए, और जो भी खर्चा भी आएगा वो तो मुझसे ले लेना। मैं आज ये भी घोषणा करना चाहता हूँ, मैंने एक गोल्ड मेडल उनके नाम पर रखा है 1,00,000 का, मैंने जो संस्कृत में प्रथम रैंक में आएगा एमए में उसको प्रतिवर्ष एक गोल्ड मेडल मिलेगी सुनंदा के नाम पर। और आज ये भी घोषणा करता हूँ मैं ये प्रतिवर्ष इस स्मृति व्याख्यान के लिए मैं 1,00,000 का जो फंड है वो यूनिवर्सिटी को समर्पित करता हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत वैदिक स्टडीज और हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्मृति व्याख्यान माला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाए, उसके लिए मैंने एक कॉर्पस जो फंड बोलते हैं वो यूनिवर्सिटी को मैं देता हूँ। एक दो बातें मैं आज मुझे टीचर लोगों ने इतने पुराने चित्र ये सब निकाल के प्रस्तुत किया, सब पुराने यादें सामने आने लगी। कुछ मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, परंतु मेरी ज़िंदगी में वो अविभाज्य अंग थी। मैंने आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, एक दो चीज़ें। ये जो 51 संस्कृत कॉमेंट्रीज, अब थोड़ा दिखाना, ईशावास्य उपनिषद का हम ये नहीं नीचे का ये 51 संस्कृत कॉमेंट्रीज है ईशावास्य उपनिषद पर, ये मैं और दोनों मिलकर एडिट किया। वो क्या हुआ, उसका ग्लॉट बैडर का ऑपरेशन हुआ, 3 दिन पे घर आई, और अमेरिका में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया, वहाँ वेदांत कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इसका विमोचन वहीं हुआ है, इसका विमोचन अमेरिका में हुआ है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अमेरिका में 15 तारीख को इसको विमोचन कर दिया जाएगा। ये तैयारी नहीं था, अब तीसरा चौथा प्रूफ रीडिंग चालू था, ये आई तीसरा चौथा दिन था, मेजर ऑपरेशन हुआ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये तैयार नहीं हो पा रहा है, तुम बीमार है, दोनों को हम उन्होंने बुलाया। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं तुमको जाना पड़ेगा, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तुमको जाना पड़ेगा। 15-15 घंटा मेरे साथ बैठ के इन्होंने 3-4 प्रूफ रीडिंग किया, ये संस्कृत है, संस्कृत प्रोफेसर थी, 15-15 घंटा 8 दिन तक उन्होंने मेहनत किया, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी। दूसरा ये जो है उसका 2-3 पुस्तकें जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वो संस्कृत फॉर बिगिनर्स है और टीचिंग्स ऑफ उपनिषद है, अनेक पुस्तक उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती थी, वो टेक्स्ट बुक रूप में है वहाँ। तीसरा, जब वो उनका देहत्याग हो गया तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ पढ़ाने जाती थी उनको पता लगा, उन्होंने तुरंत ईमेल किया मुझे, उनकी स्मृति में हम कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हैं, और उनका जो लास्ट पुस्तकें हैं वो इन्होंने ललिता त्रिशति शंकर भाषा इंग्लिश में अनुवाद किया है, एडिट तो मैंने किया परंतु उसका कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने किया, उसका लास्ट बुक थी है। उन्होंने कहा उसका विमोचन करना और बाद में उनके नाम पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज करना, यही उसके लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी। वो यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ाने जाती थी कि उनके नाम पर, ये देखिए उस अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एन अद्वैत व्यू ऑफ श्री विद्या तंत्र ऑनरिंग द गॉडेस ऑफ श्री विद्या इन ए कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ऑनर ऑफ डॉक्टर सुनंदा शास्त्री मार्च 2-3 2018 वहाँ कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया,
उनके ऑनर में। इतना ही नहीं, उस यूनिवर्सिटी ने, उस अनेक यूनिवर्सिटी उसमें शामिल थी, उनका एक प्रकाश एक पब्लिश किया, डेढ़ घंटे का मेमोरियल वो उसमें ट्यूब में है। मैंने कल प्रभाकर जी को बुलाया, उस यूनिवर्सिटी जो उन्होंने वेबसाइट है उसमें डेढ़ घंटे का मेमोरियल ये उन्होंने छापा, यूनिवर्सिटी ने छापा है उसके बारे में सब कुछ। बाद में प्रेयर कराया डेढ़ घंटे का, वहाँ वहाँ वेद का पठन हुआ, उपनिषद का पठन हुआ, गीता का हुआ और बाइबल का हुआ, सब कुछ मेमोरियल में अमेरिका में। अभी ये इन इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, वो मेरा जो भी मैं पेपर लिखता था, पुस्तक लिखता था, वो एडिट करती थी, वो एडिट करती थी, उसका टाइपिंग बहुत स्पीड बहुत था, मैं उसको लिख करके दे देता था। और बाद में मैं पूछता ये पेपर कैसा है, वो कभी कभी ऐसा क्रिटिसिज्म करती थी हाँ, वो आपको एक सुनाता हूँ, कभी बार बार सुनाती थी, जब मेरा ये पेपर कैसा है मेरा, वो बोलती थी, वो एक हिंदी में ऐसा है, मेरी बात सुनो हाँ, मेरी बात सुनो, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो सुनो, फिर भी मेरी बात सुनो, ये हिंदी में है, ये इसका अर्थ ये था, उसका क्रिटिसिज्म ऐसा ही था, तुम गोल गोल लिखता है हाँ, वही वही लिखता है, ये मैं इसको टाइप नहीं करूँगा, एडिट नहीं करूँगा, जो करना है वापस लिख दो, ऐसा बोलती थी हाँ। वो जब कहती ये पेपर अच्छा है तब मैं उसको फाइनल करता था हाँ। और मेरी और ये ऐसा है, उसको डिपार्टमेंट में भी बहुत तक भरते, धैर्यशाली थे, मोरल करेज थे। उसको डिपार्टमेंट में क्या हुआ, ये उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलग थे, दूसरे सीनियर दो तीन थे, इसको फॉरेन से इनविटेशन आता था पढ़ाने के लिए, विजिटिंग प्रोफेसर तरीके, उन लोगों को नहीं आता था, वो लोग इंग्लिश चाहते बरोबर जानते नहीं थे, वो जीएलसी थी, मत्सर था इसके ऊपर, वो इसको बहुत परेशान करने का प्रयत्न किया डिपार्टमेंट में, गुजरात यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में बहुत परेशान करने का प्रयत्न किया, परंतु वो धैर्य से सहन किया, उसका करेज ये था, धैर्य से सहन किया। और मेरे लड़के ने अभी भी थीसिस न्यूजीलैंड ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में सबमिट किया, उन्होंने एक वाक्य लिखा हाँ, मेरी मदर चली गई, एक सहारा पानी में जैसे पानी बह जाता है, इसके मेरे ऊपर का जो आशीर्वाद रूप सहारा था वो पानी में, समय के पानी में बह, पानी समय के प्रवाह में बह चुका है। अभी उसके बारे में क्या बोलूँ, हम यहाँ आए तो हम बहुत बड़े सिटी में थे, वो मेरे लिए यहाँ आई, उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, हमको ठीक है, फ्लैट तो फ्लैट, रूम रूम कोई हमारे विशेष व्यवस्था नहीं चाहिए हमको, हम हमेशा चाय पीते समय दोपहर कभी भी ये है डिस्कस कर विषय को, प्रोफेसर समझकर थे, वो हिंदी भी अच्छी जान, हिंदी के भी अच्छे, उनको हिंदी कुछ डिग्री भी थी उसका, विद्वान ऐसा कुछ पंडित डिग्री मिलती है, वो हिंदी का भी ये थे, हर एक के बारे में हम चर्चा करते थे हाँ, बैठ के चाय पीते समय, खाते समय, पीते समय हाँ, वो सब चला गया। परंतु विद्यार्थियों में और प्राध्यापकों में जो उनके लिए आत्मीयता है, आदर भाव है, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पुनः हमारे विद्वान मित्र भारद्वाज जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको पुनः मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आभार मानता हूँ। धन्यवाद सर। वासान से जीर्णानि यथा विहाय, गीता के इस पंक्ति के अनुसार मानव को वस्त्र परिवर्तन के सदृश देहांतर में जाना ही पड़ता है, परंतु जो अपनी अंतरात्मा को जीर्ण नहीं होने देते वे आजीवन अजर ही रहते हैं, और जो कीर्ति जीवी होते हैं वे कीर्ति ही यस्य सजीवती के अनुसार मरणोपरांत भी अमर रहते हैं। प्रोफेसर सुनंदा शास्त्री भी अपनी कीर्ति ममता के कारण हमारे लिए अमर हैं, अपनी जीवंतता एवं प्राणवत्ता के कारण वे महाप्राण थीं, और अपनी उत्सर्गमयता के कारण शुद्ध प्राण थीं। ऐसी ममतामयी और स्नेहमयी की स्मृति में यह व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। मैं मैडम के, वो हमारी द्वितीय अधिष्ठाता भी थीं, तो मैं अपने विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर नवीन कुमार मेहता जी से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और मैडम के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में दो शब्द कहें।
सम्मानीय मंच, सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर रामदेव भारदा जी, माननीय कुलपति महोदय अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, हमारे द्वितीय अतिथि श्रीमान राजीव चौबे जी, इतिहासकार प्रसिद्ध लेखक हमारे रायसेन के ही हैं, हमारे सबके परम श्रद्धेय आदरणीय कुलपति महोदय एवं हमारे सम्माननीय कुल सचिव महोदय, सुधीगण, सुधी श्रोतागण, मित्रों, इस मंच से मैं कई बार तैयारी के साथ, कई बार बिना तैयारी के साथ, कई बार ऐसे ही जो बोलना है बोल देता था, पर आज समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँगा और इसका अंत कहाँ होगा, क्योंकि मैं उस जो ज्योति थी, उस महान आत्मा थी, उसका एक अंश भी अपने जीवन में उतार पाऊँ तो जीवन सफल माना जाएगा। हम हमेशा तैयारी से आते हैं मंच पर, यदि आज मैंने तैयारी भी करी है तो दिल मेरा हाथ था, क्योंकि मैं बराबर दो तीन दिन से एक ऐसे फोटोग्राफ का एक प्रिपरेशन कर रहा था और बार बार मैं उसको यदि एडिट करता उतनी बार मैं आहत होता चला गया। आज मेरा खुद का जब यहाँ बोलने का मौका है तो एक अजीब सी बेचैनी है, शून्यता एक दिल में आ रही है, एक रिक्तता का भाव मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वे यहाँ पर आई थी तो बड़ा न जाने कैसा माहौल, मुझे कहते हुए संकोच बिल्कुल नहीं है, था कि हम ऐसा लगता था कि किसी विश्वविद्यालय में हैं या नहीं भी, जो एकेडमिक माहौल चाहिए था, जो एकेडमिक डेवलपमेंट हम लोगों का होना था वो शायद उसमें कमी थी कुछ। वे आई आंधी की तरह, शक्ति दे गई, शक्ति का पुंज थी, ऊर्जा दे गई, साहस दे गई, क्योंकि यही तो था सब कुछ उनमें, वो आत्मविश्वास दे गई हमें कि एक नोटशीट का कल्चर हर विश्वविद्यालय में होता है, माननीय कुलपति महोदय दोनों जानते हैं, और उसके ऊपर भी एक कल्चर डेवलप हो जाता है कि जो चाहे फ़ोन पे भी करवा लो, तो वो सारी चीज़ें हर सिस्टम में होती हैं, शायद कहीं रही होगी, तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक हमें कहा कि हम अकादमिक लोग हैं, हमारा नोटशीट पर टिप लिखना हमारा काम नहीं है, ना होना चाहिए, बड़ी बड़ी टिपें लिखना, उनका प्रतिउत्तर देना, उस पर फिर टिप लिखना, कागज़ों से खेलना, ये काम यदि अकादमिक करने लग गए तो ये विद्यार्थियों का जीवन ये कौन मनाएगा देश का, वो चीज़ें उनको बड़ी दिल से थी उनके, वो ना करना देना चाहती थी, प्रोत्साहन भी देना नहीं चाहती थी उन चीज़ों को, और हम भी उसी माहौल में पले बड़े और अभी भी यहाँ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने वो चीज़ें हमें सिखाई, एक शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, और मुझे वो दिन याद है, मैं माफ़ी चाहूँगा सर से, कुलपति महोदय से, कि मैं थोड़ा सा हो सकता हूँ कैरिड अवे बाय द इमोशन हो रहा हूँ, कि हम लोग परीक्षा में यही समय था, देवेन जी और मैं एक कक्ष में ड्यूटी पास रूम में मैं कहीं कर रहा था, क्योंकि मिड टर्म में एग्ज़ाम थी, तो देवेन जी का मुझे राहुल जी का फ़ोन आता है कि मैडम की तबीयत ख़राब चल रही है, आपको मालूम हुआ क्या? मुझे कहा मुझे नहीं मालूम है, मैं भागता हुआ कमरे से आता हूँ, ऊपर जाता हूँ, सर और मैडम दोनों बोल रहे हैं कि मैं विदिशा जाना चाहते हैं, अमित जी भी बाहर थे, उनके निजी सहायक बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा नवीन, मैं अभी आती हूँ एक घंटे में, खाली ये सांस शरीर का कुछ चल रहा है, और आई भी स्वस्थ होकर आई। फिर हमारे यहाँ ISBS का एक आयोजन था इसी हाल में, वे पहले दिन रहीं, दूसरे दिन मुझसे बोली, हम सबसे बोली कि अब मैं शायद तैयारी करना चाहती हूँ, मुझे अपने हमारे पहली बार हम कुछ सालों बाद अपने गाँव जा रहे हैं कर्नाटक, फिर अहमदाबाद जाएँगे, फिर पुणे जाएँगे, हमारा कार्यक्रम है, और हमारे को भी दिवाली की छुट्टियाँ मिलना चालू हो गई थी, एक साल तक तो बिना ऐसे ही चलते रहे, नियम कायदे मन रहे थे, तो छुट्टियों का प्रताप भी उन्हीं माता के माध्यम से हुआ है। एकेडमिक जो एक UGC का एक रूल रेगुलेशन होता है उसमें यूनिवर्सिटी चलती है और चलना भी चाहिए, वो पहली चीज़ है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। तो वो UGC के अनुसार हमारा कुछ उन्होंने उद्धार भी करा उन चीज़ों में, तो यहाँ पर जब वो जा रही थी, और एक यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठा है सोनू, जो यहाँ पर उनके ड्राइवर हैं, जो 5 बजे गई, वर्मा जी शायद अंतिम व्यक्ति रहे होंगे, हम जब उनसे सिग्नेचर करा रहे थे कुछ कागज़ों पर, भाई नवीन राइटिंग फिलॉसफी जो हम जिस सर ने आज बात करी उसका हम तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनके घर जाता हूँ, नवीन जी बोलते हैं चलिए आप भी चलिए, सर ने बोला आपको भी लेकर आना है, तो हम दोनों जाते हैं और वो उसी रूप में मिलती हैं जिस रूप में हमेशा मिलती थी, कि आप अभी 2-3 दिन हम 4 दिन बाद मिलेंगे, आप भी अपने घर परिवार में जाइए, इंजॉय करिए। तो मैंने कहा कि मैडम आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया? बोला अब ठीक है, घर परिवार जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, मिलेंगे जुलेंगे तो। और यहाँ से जाने के बाद जब वो अंतिम बार भी हमारे विद्यार्थी यहाँ JN PhD कर रहे हैं, उनसे रेलवे स्टेशन पर मिलती है,
वो इस तरह सब लोग बड़े अच्छे मन से उनको यहाँ विदा करते हैं। जब एक फ्लैश होता है मैसेज दोपहर में, अगले दिन हम जब निकलने वाले हैं तो पूरा हम स्तब्ध रह जाते हैं, माने शब्द नहीं है कहाँ चली गई, कैसे चली गई और कैसे पूरी घटना घट गई। बड़ा मुश्किल है, पर अल्प समय में ही उन्होंने जिस तरह हमें जीवटता, अनुशासन, दृढ़ संकल्पता, एक शोध अध्यता थी, मैंने आपका एक PPT के माध्यम से यदि व्यवधान हो रहा है बीच में, हो जाएगा शायद उन्हीं के प्रताप से, तो मुझे जब मैं चर्चारत था तो क्या हुआ, सर के माध्यम से चर्चाएँ हुई। एक सर की मासी माने उनकी बहन की लड़की हैं जो बॉम्बे में रहती हैं, अर्चना, श्रीमती अर्चना काले, उन्होंने मुझे कुछ जानकारी दी कि ये मेमोरियल लेक्चर हो रहा है, ये बड़ी परंपरा अच्छी है, विश्वविद्यालय में होना चाहिए। वो न केवल एक कुलपति जी की धर्मपत्नी थी, यहाँ की प्रथम महिला डीन थी, वास्तव में रानी झांसी ही थी वो, और प्रथम महिला डीन होने के नाते भी ये कार्यक्रम उतना ही महत्व रखता है जितना कि कुलपति जी की धर्मपत्नी होने के नाते। शासकीय भाषा में देखा जाए तो प्रथम डीन का हम यदि आज यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं तो वो भी एक शासकीय भाषा के अंतर्गत ही किया जाने वाला, आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। तो उनके बारे में मुझे जानकारी हासिल होती चली गई। फिर वसंत सर के भतीजे हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी, सर के बालक न्यूजीलैंड में हैं योगी जी, उन्होंने मुझे जानकारी दी। जब उनको पता लगने लगा कि ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। आज उनका मैसेज आया है, आप विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, संकाय सदस्यों को, कुल सचिव महोदय को और सभी अतिथियों को, हमारे परिवार का, शास्त्री परिवार का धन्यवाद देना और मंच से बात आप जरूर कहना। मैं सभी की ओर से, उन बालक योगी जी की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, शास्त्री परिवार की ओर से, विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका जन्म, उनके पिता थे श्री दत्तात्रेय कुलकर्णी जी, माता थी पूजनीय श्रीमती मनोरमा कुलकर्णी जी, उनके चार पुत्रियाँ थी एवं एक सुपुत्र थे, जिनमें एक लाडली पुत्री के रूप में हमारी आदरणीय मैडम भी थी। पिता पुस्तकों के व्यवसाय में संकलन थे। सर ने मुझे जो एक ऑफिशियल अपना होता है CV वो दिया था, परंतु मैंने पहले ही कहा कि मैं आई एम रियली टुडे कैरियड अवे बाय इमोशन, तो वो चीज़ें मुझे लगा कि ज़्यादा बजाय ये रियलिटी, क्योंकि वो रियल थी तो उनके लिए रियल चीज़ें ही मैं पढ़ना चाहूँगा। पिता पुस्तकों के व्यवसाय में संलग्न थे, वे दुर्लभ ऐतिहासिक, दार्शनिक, समकालीन किताबों के व्यापार में संपूर्ण भारत में सक्रिय थे। पुणे में उनके स्वयं की दो बड़े बड़े पुस्तक भंडार थे, वे पुणे की रहने वाली थी। उनकी बड़ी बहन जो उनकी शीला जो है, श्रीमती शीला उनके सबसे वो क्लोजेस्ट थी। आदरणीय मेहता मैडम में एक प्रतिभा एक और थी कि वो एक विलक्षण प्रतिभा की लेखिका रही हैं। हम सब जानते भी हैं, जो बच्चे यहाँ पर शोध के थे वो जाते थे कमरे में और किस तरह से वो किताबों का जिक्र करती थी, बताती थी। परंतु उन्होंने, आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इसकी शुरुआत जब वे मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में थी तो मराठी भाषा में शाही सफर नाम का एक उपन्यास उन्होंने रचा था। ये बच्चों के लिए एक साहस पर आधारित उपन्यास था, मैंने बचपन से वो साहस को बड़ा पसंद करती थी। उनकी कहानी कहने की और लिखने की बड़ी अद्भुत कला थी, और यदि हम उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें तो शी पजेस्ड क्लासिकल सेंस ऑफ ह्यूमर। शायद उनके DNA में ये था कि रीडिंग, राइटिंग और पब्लिकेशन, उन्होंने बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। सर ने जैसे बताया, हमारे कुलपति महोदय ने, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत, पाली, उर्दू का भी वो ज्ञान प्राप्त कर रही थी, उर्दू का नॉलेज भी वो याद कर रही थी, और अनुवाद कला में वो भी निपुण थी। इनके अलावा यदि हम गृह कला की बात करें, पाक कला की बात करें, उसमें दक्ष थी। सर ने अभी जिक्र करा US जाती थी, तो जब भी US जाती थी अपने हाथ के बने लड्डू वो ले जाती थी, वहाँ की मित्रगणों को खिलाती थी। और इतना ही नहीं, गुजराती का ढोकला कहें, मराठी के सारे मोदक कहें, व्यंजन कहें, कर्नाटक की भी रेसिपी कहें, वे सारी बनाना जानती थी, और सबको जो मेहमान आते थे उनको बड़े चाव से परोसती थी। उनके गुरु यहाँ पर आए भी थे जो कि मोर देन 90 ईयर्स हैं, संस्कृत के मर्मज्ञ आचार्य हैं, गाडगिल जी, उन्होंने उनका कन्यादान किया था। आप आश्चर्य करेंगे जब मैं और प्रभाकर जी, अभी यहाँ नहीं है, हरीश जी और हमारे विजय दुबे जी, हम सब, अमित जी, सोनू भाई, हम सब जब वहाँ अहमदाबाद गए थे तो वसंत गाडगिल जी जिस अवस्था में आए थे, शायद 90 वर्ष की उम्र में हम कोई भी नहीं कर पाए। वे शमशान भूमि पर स्वयं किस तरह से, सर भी जानते हैं, उस समय तो अवस्था ऐसी नहीं थी कि इसको कहते हैं पिता, बोले आज बड़े यही दिन मुझे देखना था, मुझे बोले भी हूँ कि मुझे मेरी अपने कन्या का, जिसका मैंने दान करा था, उसका देहदान भी आज मेरे सामने हो रहा है। ये ऐसे अवसर हैं, इसमें शब्द बड़े कम हैं, इसमें भावनाएं इतनी जुड़ी कि मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैं किस अवस्था में
ये सब चीज़ें कह रहा हूँ कि एक गिफ्टेड आर्टिस्ट भी रहीं। पेंटिंग आप अपने यहाँ पर एक हमारे मैडम जानती हैं, बैठी हैं नंदी मैडम, एक पेंटिंग हमारा एग्जीबिशन हुई थी सर, उसमें उन्होंने स्वयं का एक बड़ा अच्छा चित्रकारी का एक प्रदर्शन उन्होंने किया एंड इट वॉज़ रियली अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। उसके बाद उनकी एम्ब्रॉयडरी देख लें आप, रंगोली में अभी यहाँ पर एक आप देखेंगे शायद इसमें दिखेगा, बड़ी खूबसूरत रंगोली अहमदाबाद जाती थी तो अपने दिवाली पर अपने घर के बाहर, मैंने कई फ़ोटो इसमें से डिलिबरेटली हटाए हैं, मैं जघन्य अपराध है पर बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाले थे। और उनके पास रंगोली का अद्भुत खजाना था, मैंने रंगों का, और रंगोली से जुड़ी किताबें सारी उनके पास हुआ करती थी, चाहे मराठी में हो, गुजराती में हो, कन्नड़ में हो। और सबसे बड़ी बात, जब मैं अहमदाबाद गया भी तो वही मुझे अर्चना बहन ने, मेरी वाइफ भी वहाँ पर, मेरी वाइफ उमा भी मेरे साथ में थी, हमको भगवान गणेश का उनको बड़ा इष्ट था, जैसे महालक्ष्मी का यहाँ पर बताएंगे अभी, तो वो इष्ट इतना था कि उन्होंने घर पर पूरे छोटे मोटे जितने भी गणेश जी के आइडल्स होते हैं, पारस से लेकर, पत्थर से लेकर, मिट्टी से लेकर, सब घर में अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं। और इतना ही नहीं, उनका पोटरी का कलेक्शन देखें, उनके स्मॉल सेरेमिक के कलेक्शन देखें, वो इट वॉज़ पार्ट ऑफ हर हॉबी, यू नो, फैब्रिक टेक्सटाइल उसका अनादर, उनका एक मेरे ख्याल से एक्सपर्टीज था। और उनके पास 34,000 से ज़्यादा, वो मैं स्वयं गवाह हूँ उस बात का, और यहाँ पर भी शुक्ला मुखर्जी मैडम नहीं है, कि जब भी वो भोपाल जाती, मर्ग नैनी उनका एक डेस्टिनेशन हुआ करता था। और इतना ह्यूज कलेक्शन था, 34,000 साड़ियाँ उनके कलेक्शन में रहा करती थी। मैं स्वयं अहमदाबाद में गया था, भाई प्रभाकर भी थे, कक्ष में गया मैं ऊपर, तो लाइब्रेरी पूरी लबालब भरी हुई किताबों से। वो कहते थे कितनी किताब हम ले जाएं वहाँ आपके बारला में, देखिए ये रखी हुई है यहाँ पर। तो जब यहाँ आने वाली थी, मैं थोड़ा प्रशासकीय जो उनका एक अनुभव रहा उसके पहले किस तरह रूप में वो वहाँ पर थी, 18 वर्ष तक वो गुजरात की जो यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठित, जिसकी स्थापना कहते हैं लोग गांधी जी के माध्यम से की गई थी, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में संस्कृत अध्ययनशाला में 18 वर्ष तक कार्यरत रही। अब वहाँ उन्होंने अपना जब कार्यकाल पूर्ण किया तो यहाँ पर वो, आपने देखा, आप सब जो यहाँ पर जुड़े हैं उनसे, विभिन्न विभिन्न रूपों में मिले उनसे और अपना ज्ञान उनसे अपना शेयर किया या उनसे आदान प्रदान किया या शक्ति प्राप्त की, तो यहाँ आने के बाद वे प्रोफेसर और डीन रहीं, मात्र 6 माह का उन्होंने कार्यकाल किया। कई बाद में भी, अभी मैं मंच पर हूँ तो कुछ चीज़ें प्रशासन की बोलने से हिचकिचा रहा हूँ कि जो एक हम कहते हैं वेतन पार्ट, वो शायद अभी भी ईश्वर करे तो हो जाएगा, अधूरा ही है, पर ये शास्त्री पे फैमिली का बड़प्पन है कि दे नेवर डिमांडेड फॉर इट, यू नो, दे नेवर प्लीडेड बिफोर एनीवन। ये सीखने की चीज़ें हैं, दान, शिक्षा दान है भाई, गुरु दान करता है दान, तो शायद शिक्षा दान की परंपरा की एक सशक्त मेरे ख्याल से गवाह रही है। अपनी मास्टर डिग्री उन्होंने संस्कृत, व्याकरण और वेदांत दोनों में हासिल करी थी और उन्हें तीन स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। शायद यही कारण है मेरे ख्याल से कुलपति महोदय की इच्छा रही कि मैं भी यहाँ पर उनके नाम पर स्वर्ण पदक की घोषणा करूँ और बच्चों को मिले वो। और अपने प्रयास से इन्होंने संस्कृत में और वैदिक स्टडीज़ में 5 जो स्कॉलरशिप भी चालू करी, वो इनके प्रयास ही हैं। उनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित थी, जो आपने के यहाँ पर सन्ने बताई है, संस्कृत फॉर बिगिनर्स, और ये बड़ी लोकप्रिय किताब है। फिर नारद स्मृति, टीचिंग्स ऑफ उपनिषद और ललिता त्रिष्टि शंकर भाष की वो सह लेखिका रही। ईशावास्य उपनिषद के बारे में सर ने बताया, 90 से ज़्यादा शोध पत्र थे। और वो जहाँ सबसे बड़ी बात उनके लिए थी कि वो, शी वॉज इन्वाइटेड टू कंट्रीब्यूट हर रिसर्च आर्टिकल अहिंसा एंड यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स, अ हिंदू व्यू ऑफ नॉन वायलेंस टू सबवर्टिंग हेट्रेड, इट वॉज पब्लिश्ड बाय द बोस्टन रिसर्च सेंटर, कैम्ब्रिज, USA। इवन शी यू नो कंट्रीब्यूटेड फिलासफी ऑफ वैल्यूज एंड हिज फॉलो वैल्यूज एंड हिज फॉलोअर्स टू सिस्टम ऑफ वेदांता Volume 2, सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन, न्यू दिल्ली। अभी सर ने जैसे बताया कि वो अमेरिका में उनके नाम पर मेमोरियल, एक लेक्चर का भी आयोजन किया गया और उनका पूरा जीवन वृत्त वहाँ पर प्रकाशित किया गया। तो शी वॉज इन्वाइटेड 4 times इन हर लाइफ, शी वॉज इन्वाइटेड टू टीच उपनिषद संस्कृत एज विजिटिंग प्रोफेसर बाय लॉयला मेरीमाउंट यूनिवर्सिटी लॉस एंजेलिस USA। उनके अंडर में 30 से अधिक MPhil, 15 से ज़्यादा PhD किए गए। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र करा है कि 2 और 3 मार्च को
लोयला मेरीमाउंट यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस में दो दिन की संगोष्ठी रखी गई और एक घंटा 30 मिनट का स्मृति व्याख्यान भी रखा गया और ये मेरीमाउंट सेंटर फॉर प्रेयर एंड पीस द्वारा रखा गया। अभी मुझे कल एक और जानकारी प्राप्त हुई कि विश्व संस्कृत सम्मेलन जो कनाडा में हुआ था उसमें भी मैडम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई संस्कृत के विद्वान द्वारा। उनकी जो एक लास्ट मीटिंग जो IIS की हुई थी उसमें भी मैडम को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट की गई। मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कहने को है, हमारे सबके अपने अपने अनुभव उनके साथ जुड़े रहे। चूँकि मेरा कमरा और उनका कमरा यहाँ पर कक्ष सामने आमने था तो एक तरह से मैं एक माँ के, एक मैडम के और एक डीन के तीनों प्यार से अब वंचित हूँ, परंतु मित्रों के सहारे, यादों के सहारे अपने आप को किस तरह और सर के माध्यम से उनको सस्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे गुरु और ऐसे माने प्रखर दृढ़ संकल्पित महिला का एकदम चले जाना बड़ा दुखद तो है, परंतु कई बार लगता है कि शायद ईश्वर उनको कुछ मिशन के लिए यहाँ भेजा था और वो चाहती थी कि वो मिशन, वो उनके जो उद्देश्य थे पूर्ण हो। परंतु हमारे जो माननीय कुलपति महोदय हैं, आप देखिए अभी भी सृजनशील हैं, संलग्न हैं और किस तरह से अभी राइटिंग, हमने जो फिलासफी वर्कशॉप थी उसको देखा, संपन्न बिल्कुल सफलतापूर्वक। और उनका एक दृढ़ संकल्प था कि मैं आनंदीबेन को बुलाऊंगा और आएंगी राज्यपाल महोदय, अभी भी दृढ़ संकल्पित हैं। और बड़ी तत्परता के साथ भाई हमारे देवेन जी और बंधु जी के साथ, बंधु जी भी आगमन होने वाला है एक दिन में, उनके साथ फिर पुनः जुड़ गए हैं कि मैं वो जो दिसंबर के माह में शक्त तंत्र पे जो कॉन्फ्रेंस है वो भी मैं कराऊंगा। और क्योंकि मैडम शक्ति की उपासक थी, यही अक्टूबर का महीना रहता था, एक हाथ में काउंटर रहता था जिससे वो जप करा करती थी, जप के साथ व्रत के साथ अध्ययन अध्यापन में भी संलग्न थी। कई विद्यार्थी बैठे हैं यहाँ पर, वो अनुभव शेयर करेंगे। मैं इसी के साथ बड़े भावपूर्ण तरीके से इस मंच से विदा लेता हूँ, धन्यवाद। अपने स्मृति अनुभव के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और अपने स्मृति को बताएं। मंचा सिंह मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय, कुलसचिव महोदय, VC सर एवं अधिष्ठाता सर एवं सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैडम्स का जो सबसे एक विशिष्ट गुण था वो उनकी विनम्रता थी। बहुत कम समय के लिए हम लोगों को उनका सानिध्य मिला और उनसे बातचीत करने में एकदम वो सहज रहती थी। कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि वो हमसे वरिष्ठ हैं या बहुत बड़ी विदुषी हैं, एकदम सहज होके बात करती थी। एक मेरी स्मृति है, मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बोलूँगा, जो कभी मुझे विस्मृत नहीं होगी। ये 14 अक्टूबर की बात है, मुझे उस समय दिवाली आने वाली थी, मुझे घर जाना था। मैडम को मैंने पहले बता रखा था, मैडम मुझे घर जाना है। मैं उनसे 14 तारीख को शाम को अपना अप्लीकेशन, एक दिन की मुझे CL लेनी थी, फिर दिवाली का अवकाश था, वो हस्ताक्षर कराने के लिए ले गया। तो वो बोली कि मैं आइए, जैसे ही मैं कमरे में घुसा वो अपने कप को हाथ से, ये बॉटल के पानी से धुल रही थी। मैंने बोला मैडम मैं किसी को बुला देता हूँ। बोले नहीं नहीं किसी को बुलाना नहीं है, मैं कर देती हूँ। देखते ही मुझे बोली मैं आपको याद कर रही थी कि दो तीन लोग आए जिनको घर जाना था, वो लोग आप अप्लीकेशन पर साइन करा ले गए, आप नहीं आए। तो मैंने कहा नहीं मैडम कॉन्फ्रेंस थी, आप उसमें बिजी थी, ISBS की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कहे नहीं आप कहीं भी करा लेते। मैंने हस्ताक्षर कराया, फिर उनको यहाँ हॉल में छोड़ा और उसी शाम वो उनको बाहर, चूँकि बाहर निकलना था, फिर जाते वक्त भी मेरे से मिली कि अब दिवाली बाद आते हैं तो हमें, हम लोग अभी कुछ और काम करेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स, वो संस्कृत सर्टिफिकेट कोर्स जो चल रहा है अभी, उसका वो पाठ लेखन करती थी। और इस दौरान भी मैंने देखा कई बार वो पाठ लेखन करती थी, वो डिस्कस करने के लिए खुद स्वयं मेरे कमरे में आती थी। जब मैं मना करता था मैडम आप मुझे किसी के बुलवा लीजिए, आप क्यों खुद आती हैं, तो कहीं नहीं इसमें कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्वयं आती थी वो। बहुत मतलब इतनी सहज थी। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैडम को सादर नमन करता हूँ, धन्यवाद। मैं हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ सर को आमंत्रित करूँगा कि वो अपने स्मृति अनुभव द्वारा मैडम के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मेरी स्मृति में विशेष रूप से विद्यमान मैम को मैं नमन करता हूँ।
मंच पर आसीन हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता तथा कुलपति श्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल, हमारे कुल सचिव महोदय, अब हमारे अपने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, हमारे दूसरे वक्ता चौबे सर और डीन एवं हमारे अग्रज नवीन मेहता सर। मैम के साथ काम करने का अनुभव थोड़ा सा मेरा भी है, जिसे मैं साझा करना चाहूँगा। हम पहली बार मैम से मिले जब 2017-18 की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने वाली थी। सेंट्रल एडमिशन कमेटी का मेंबर होने के नाते हम आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट कहाँ लेना चाहिए। यद्यपि कि हमारे प्रथम अकादमिक सत्र में बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया संबंधी प्रवेश परीक्षा भोपाल में आयोजित की गई, मैम ने कहा कि नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए कि उनका अकादमिक कैंपस कैसा है, उसकी समस्याएं क्या है, वो कहां पर पढ़ने जा रहे हैं। उनके अपने अलग तर्क थे और हमारे तर्क यह थे, क्या था कि नहीं, यहाँ पे आने में असुविधा होगी, इसीलिए बच्चों को भोपाल में ही परीक्षा देनी चाहिए। अंततः हम उनके इस तर्क से सहमत हुए कि नहीं, बच्चों को यहीं पे आना चाहिए, यहीं पे परीक्षा देनी चाहिए, ताकि यहाँ की समस्याओं से वह पहले अवगत हों, उन्हें यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि हमें यह समस्याएं आने वाली हैं। इस रूप में वो अपनी बातें रखती थी और हम उसको मानने को बाध्य होते थे। एक तरफ वह विद्यार्थियों के लिए हमेशा उपलब्ध थी, उनकी परेशानियों को शिद्दत से महसूस करती थी, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक रूप में उतनी ही सख्त भी थी। केंद्रीय प्रवेश समिति में कई बार ऐसे प्रश्न आए जिस पर मैं उनसे सहमत नहीं होता था। मैं स्पष्ट रूप में कुलपति महोदय के समक्ष ये बातें रखता था कि यह स्थिति ऐसी है, हम नहीं कर सकते सर। मैम कहती कि नहीं, होना चाहिए। अंततः कुलपति महोदय कहते कि नहीं, राहुल जी ठीक कह रहे हैं, यही होगा। ये सहमति और असहमति का मामला था। ये बातें कभी केंद्रीय प्रवेश समिति से बाहर नहीं आती है। यह आज मौका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। हम कभी बाहर स्टेज पर शेयर नहीं करते कि हम क्या बातें करते हैं वहाँ पे। और अंततः हम सहमति और असहमति के बीच से विश्वविद्यालय को आगे ले चलने की प्रक्रिया में बढ़ रहे थे, और यह विश्वविद्यालय के लिए अच्छा था कि दोनों स्वर वहाँ पे सुने जा रहे थे, सहमति के भी और असहमति के भी। कई बार ऐसा होता था कि कोई समस्याएं मेरे पास आती थी, मैं मैम के पास जाता, मैम क्या करें, ये काम नहीं हो पा रहा है। मैम सहज रूप में कहती, क्या वीसी के पास चलना है? मैं कहता, जी मैम जाना होगा। हम दोनों चल पड़ते, बाहर बैठते, इंतज़ार करते, अंदर से सर की कॉल आती कि आइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैम और सर के बीच में लंबी बातचीत, लंबी बहस, ये क्या हो रहा है। कई कई बार मुझे खुद को परेशानी होती थी कि एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते उनकी अलग जिम्मेदारी है, एक फैमिली के नाते अलग जिम्मेदारी है, और मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं क्या करूँ उसमें। लेकिन अंततः हम विश्वविद्यालय को ले जाने के लिए, विश्वविद्यालय को आगे ले जाने के लिए तत्पर थे। हम अंततः विश्वविद्यालय के पक्ष में फैसले लेते, हम आगे बढ़ते। इस तरह से मेरा अनुभव है उनके साथ काम करने का। मुझे याद है एक योग विभाग की छात्रा थी, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी उन दिनों। मैम से अक्सर बातें हुआ करती थी मेरी, और वो कहती कि कोई नहीं राहुल जी, ठीक हो जाएगी, ये मैं बैठी हूँ यहाँ पे। इस रूप में वो एक एक व्यक्ति के साथ, एक एक बच्चों के साथ, एक एक समस्याओं के साथ अपने कंसर्न को शो करती थी, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे।
लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और वो साथ ज़्यादा नहीं चल पाया। लेकिन मैं भारतीय दर्शन में विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास है कि वो प्रत्यक्ष रूप में भले ही यहाँ पे न हों, लेकिन उनके व्यक्तित्व की प्रखरता, ऊर्जस्वता सदा हमारे साथ है, जो हमें प्रेरित कर रहा है। उनकी अदृश्य शक्तियाँ इस विश्वविद्यालय के कण कण में व्याप्त है, जो सदैव हमें प्रेरणा देती रहेगी। आपने हमें सम्मान और गरिमा के साथ विश्वविद्यालय में काम करने की प्रेरणा दी, सीख दी, हौसले दिए और सपने भी दिए। किसी ने लिखा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसले देने के लिए मैं उनका कोटिशः नमन करता हूँ। अंत में एक छोटी सी कविता मैम के लिए मेरी तरफ से। जब स्थितियां प्रतिकूल हो और आसन्न संकटों का प्राबल्य, तो आता है कोई ना कोई विष्णु सहस्त्रनाम। दिगंत के अंधकार से प्रकाश की राह ढूंढता है वह, नाध्वलेय देता है अपनी कर्मठता, कौशलता, कर्तव्य परायणता का परिचय और प्रशस्त करता है राह उम्मीदों, सपनों और नई मंजिलों का। मैं भी था उन आसन्न संकटों का मात्र मूक दृष्टा, जिसने कोशिश तो की थी उस दुर्निवार अंधेरों में अलग जगाने की, लेकिन नियति ने जैसे काल के कपाल पर लिख दिया था कि आएगा और देगा साथ तुम्हारा वह सब्यसाची, जो काल को भी कर सकेगा भेदन अपनी ऊर्जा और शक्ति से, और जीत लेगा रण तुम्हारे लिए जैसे महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में पराजित होकर भी जीत लिया रण अपनों के लिए। अंत में आपकी स्मृति को नमन करता हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपके प्रति आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर प्राची अग्रवाल को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने स्मृति अनुभव से मैडम के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। मंच पर बैठे सभी मेरे वरिष्ठ गुरुजन एवं मेरे सभी मित्र, सबको नमस्कार। हमें संसार में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो शक्तिशाली बनना चाहते हैं और शक्ति का पुंज होते भी हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों में शक्ति का संचार करते हैं। आपके पास शक्ति है तो बहुत आसान होता है कहना, आप चिंता मत करो, मैं आपकी सहायता करूँगा या करूँगी। बट दूसरों को ये विश्वास दिलाना कि आपको सहायता की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में एक शक्ति हो। मैडम ने ये काम किया था। मैडम हमारे साथ ज़्यादा समय एज एक पद पे नहीं रही थी, और मुझे याद है जब मेरा उनसे पहला और अनफॉर्चुनेटली जो आखिरी इंटरेक्शन था, जो हुआ था एक डिटेल्ड में, और मैंने मैम को यही कहा था कि मैम आई विश कि आपने पहले ज्वाइन किया होता, आई विश आप पहले हमारे साथ होते। तो मैम ने कहा था कि सब कुछ अपने वक्त पे होता है और अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे पता है, आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, जब मैं कहती हूँ कि मैम का जाना हम सबके लिए एक पर्सनल लॉस है। उनके जाने से जो एक लॉस हम सबको पर्सनल लेवल पे फील हुआ है, वो शायद हम बयां भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अक्सर लोग जब कुछ बड़ा काम करते हैं तो अपने इष्ट को याद करते हैं। मैं जब कोई भी नॉन अकेडमिक प्रोफेशनल बड़ा काम करना चाहती हूँ तो मैं मैडम को याद करती हूँ। थैंक यू। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। इस विश्वविद्यालय में श्रद्धेय मैम के सानिध्य में मुझे और मेरे सहपाठियों को पढ़ने का सौभाग्य प्रदान हुआ। मैम ने हमें वाल्मीकि रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग और अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरितम का प्रथम सर्ग पढ़ाया था। मैम
जब भी कक्षा क्लास में होती थी, कक्षा में होती थी, तो हमेशा औपचारिकता करने से मना करती थी। जैसे क्लास चल रही है और मान लो कोई लेट हो गया है, तो वह बिना पूछे अपना आए, आकर के बैठ जाए और आराम से अपनी पुस्तक निकाले और जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ने लगे। बीच में कोई डिस्टर्ब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको प्रणाम करने की ज़रूरत थी। और यदि आपको कोई काम है तो जा भी सकते थे उनकी क्लास से। इसके लिए वे कभी भी रोकती टोकती नहीं थी। मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया। श्लोक का अन्वय कैसे करना है, उसका अर्थ कैसे करना है, ये जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे, ये हमें विशेष रूप से मैडम ने हमें सिखाया कि श्लोक का अर्थ अपने आप खुद ही कैसा करने हम सीखें, ये मैम ने हमें सिखाया। मैम को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। शरीर तो सभी का नाशवान है, लेकिन मैम ने उस शरीर को भी बड़ी दिव्यता और सरलता के साथ जिया। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, वो हमेशा हमारे दिलों में याद बनकर जिंदा रहते हैं। मैम को हम आज भी अपने आसपास महसूस करते हैं, ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में, उनके ग्रंथों के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में। हम जितने खुश हैं आज, उतने उदास हैं। मत पूछिए ये गम हमारे कितने खास हैं। श्रद्धा के सुमन भेंट हों स्वर्ग में उन्हें। लगता है मैम यहीं आसपास हैं, लगता है मैम यहीं आसपास हैं। ओम शांति। मंचासीन समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं मैडम के बारे में और कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैडम से मिलते ही मुझे कुछ योग में आने के बाद तो कुछ मिला तो मिला, लेकिन मैडम से मिलने के बाद मुझे एक जीवन जीने की एक नई राह मिली। जब मैं अचानक हर पल अपने भविष्य भूत के दुख के कारण कभी भी दुखी रहती थी, तो बरहम इस मैडम मुझे देखती रहती थी। लेकिन कभी मैडम ने मुझे आकर बुलाया और पूछा, ऐसे कोई टीचर, ऐसी कोई शिक्षक नहीं होंगे जो स्टूडेंट पर या विद्यार्थी पर इतना ध्यान दें, लेकिन मैडम फैमिली से भी ज़्यादा, मतलब परिवार से भी ज़्यादा, हर एक प्रत्येक व्यक्ति से ऐसी जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा लगता था हर व्यक्ति को जैसे कि मानो मैडम ही सब कुछ है उनके लिए। तो अचानक एक दिन मैं भी ऐसे निकल रही थी और बहुत दुखी थी, और बरहम इस सर अखिलेश सर के केबिन में और खत्री सर के केबिन में कुछ कुछ बात करते रहते थे और अपने दुख की बात सुनाते रहते थे। तो फिर मैडम ने बोला कि खत्री जी, आप इस लड़की को एक बार मेरे पास ज़रूर पहुँचाइएगा। बस केवल मुझे पता नहीं था कि मैडम से बस मेरा प्रथम और लास्ट बार मिलना होगा। मैडम ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और उनको गुड़ और पिंड खजूर बहुत पसंद थे, तो सबसे पहले तो मुझे गुड़ और पिंड खजूर खिलाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे मतलब बहुत प्यार से सारी बातों को पूछा और मैडम को मैंने सब कुछ बताया। उसके बाद से मैडम ने बोला कि बेटा, दुख हर किसी के जीवन में आते हैं और मेरे जीवन में भी हैं, और मैं अपनी फैमिली में बड़ी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारियां उठाई हैं। बेटा, आज मैं इस पद पे खड़ी हुई हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा से मतलब इतने बड़े पद पे शुरू से ही आ गई थी। मैंने भी छोटे छोटे पद से आज इतने बड़े पद पे खड़ी हुई हूँ। बेटा, तुम्हें बहुत कुछ करना है, अपने पुराने अतीत को भूलो। और कुछ करने के लिए मैडम ने मुझे प्रेरित किया और वहीं से मैडम ने मुझे कुछ दो मंत्र दिए थे कि बेटा, जब भी कहीं भी कभी मन भटकने लगे तो इस मंत्र को पढ़ना, और बुद्धि का मंत्र भी दिया था, लेकिन मैं किसी कारण बस यहाँ पे लगवा नहीं पाई हूँ। मैंने सर से बात की थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस योगा हॉल में मैं उसको लगाने का प्रयास करूँगी। और मैडम ने मुझे एक नई सीख दी, जो कि मैं मैडम को एक अपना गुरु ईश्वर इष्ट के द्वारा मतलब हमेशा याद करूंगी उसके रूप में। और मैं यहाँ चाहती हूँ कि मैडम के द्वारा दिया हुआ वो श्लोक सभी लोग अपनी अपनी आँख बंद करके मेरे बात दोहराएं। ओम कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान
यस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। ओम शांति शांति शांति। मैडम बोलती थीं कि इस श्लोक के माध्यम से खोई हुई कोई भी वस्तु, कोई बुक घूम जाए बेटा परेशान नहीं होना, बस वर हमेशा इसका जाप करते रहना। तो मैडम से मुझे बहुत कुछ मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, प्रोफेसर्स एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर फॉर द मेमोरियल ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा शास्त्री मैम, जाने वाले लौटकर वापस तो नहीं आते, जाने वालों की याद रह जाती है, और ऐसी कुछ यादें, ऐसे कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं जो मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैम के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका तो नहीं मिला, बट जो कुछ मैम के बारे में सुना, जो कुछ देखा, वो आई गेस मैंने सर से ही जाना। आई स्टिल रिमेम्बर कि मॉर्निंग 10 o'clock मेरी क्लास होती थी और सर काम से आते थे और बोलते थे कि इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्ट्रॉन्ग पिलर है जो नॉट इवन स्टूडेंट्स टीचर्स को हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं, प्रॉपर वे दिखाती हैं, तो वो हैं शास्त्री मैम। वो हम सबके प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा खड़ी रहती थी और पेशेंटली विथ फुल पॉइस और अच्छे से हम सबकी प्रॉब्लम सुनती थी, एंड आउट ऑफ नोवेयर एक इतने अच्छे सोल्यूशन के साथ आती थी। और मुझे अभी भी याद है कि मॉर्निंग सर हमेशा मुझे कहते थे कि मैम के लिए चाय लेके जाओ, एंड आई एम स्टिल ग्लैड कि मुझे वो मौका मिलता था कि मैं मॉर्निंग मैम के लिए चाय लेके जाती थी। मैम हमेशा मुझे मना करती थी कि तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ वो मॉर्निंग में मैम की स्माइल देखना, उनकी वो मुस्कुराहट ही ऐसा लगता था कि पूरे दिन की टेंशन और वरीज को ख़त्म कर देती थी। और एक बात और कि जितना सुना आई कैन कम टू अ कंक्लूजन कि सीरियसली शी वॉज एन आयरन लेडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी। उनमें वो अथॉरिटी थी, डिसिप्लिन था, और ऐसी सारी क्वालिटीज़ जो कि एक स्टूडेंट, नॉट इवन स्टूडेंट, टीचर्स और ईच एंड एवरी पर्सन चाहता है कि हमारी लाइफ में हो। और यही होप करूँगी कि वो सारी क्वालिटीज़ हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकें। मैम के जितने भी रूल्स थे, थॉट्स थे, उन्हें लेकर हम अपने एम्स, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें। एंड थैंक यू सो मच। मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलपति महोदय जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कुलपति महोदय, हिंदी विश्वविद्यालय रायसेन से आए हमारे श्री राजीव सर जी, आदरणीय कुल सचिव महोदय जी, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय जी, और सभागार में उपस्थित मेरे वरिष्ठ अधिकारीगण, विद्यार्थीगण, आज लगभग एक वर्ष पूर्ण होने को है। इस एक वर्ष में हमें मैडम की जो कमी है वो हर पड़ाव पे, हर जगह महसूस हुई है, और उसको मैंने पर्सनली जाना है। मैडम के द्वारा दी गई सीखों को, उनके द्वारा दिए गए विचारों को इस विश्वविद्यालय ने अपने मन में जागृत कर रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसी के निमित्त आज जो कार्यक्रम किया गया है ये जानकर के अत्यंत खुशी है मुझे। और मैडम के साथ जितना भी मेरा समय बीता है उसमें ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी है जो हम लगभग हम सभी को अपने जीवन में उसको लाना चाहिए, और मैं पर्सनली लाने का कोशिश भी करूँगा, प्रयत्न करूँगा। मैडम में जो एक चीज़ थी, जो कोई बातें थी, वो उसमें सबसे पहली बात आती है शिष्टाचार की। जब आदरणीय मैडम अधिष्ठाता पद पर विश्वविद्यालय में कार्यरत थी, जब भी कभी वो हमारे ऑफिस में आती थी, काम से कुलपति महोदय से मिलने आती थी, अगर साहब व्यस्त होते थे तो वो कभी मुझसे चर्चा करके पूछ करके कि साहब जब फ्री हो जाएं तो मुझे बता देना, बाहर वेटिंग रूम में ही बैठ जाया करती थी। मतलब ये चीज़ सिद्ध करती है कि आपके रिलेशनशिप, आपकी जो भी चीज़ है वो ऑफिस के बाहर अलग होना चाहिए और ऑफिस में अलग होना चाहिए। तो ये जो एक शिष्टाचार था ये बहुत ही अच्छा था, और ये हम सभी को लाना चाहिए। और जो एक चीज़ थी विनम्रता की, मैडम को जब भी देखा है उनके चेहरे पे एक स्माइल, एक हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी, समय कैसा ही हो, समय कितना ही कठिन क्यों ना हो।
हमेशा उनके जो चेहरे के भाव रहते थे वो सदा एक ही रहते थे, हमेशा वो विनम्र मृदुभाषी स्वभाव की थी। मैडम से एक चीज़ और सीखने को मिली है, वो है स्वाभिमान। उन्होंने बताया कि जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, उसको कहना सीखें, उसको एक्सेप्ट करना सीखें। उन्होंने विश्वविद्यालय में सभी को इस बाबत जागृत भी करा। और जो एक सबसे अंतिम और जो महत्वपूर्ण है वो है करुणा हृदय। मैडम सभी के साथ, आप सभी ने इस विश्वविद्यालय में उनके साथ काम भी किया है, देखा है, लेकिन जो मेरा पर्सनल रहा है उसमें ये देखता हूँ कि मैडम के अधीनस्थ स्टाफ जो घर में रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं, जो इवन मैडम के पास सब की जानकारी रहती थी, किसके घर में कितने हैं, कोई बीमार है या नहीं है, तो उसकी सहायता भी मैडम बाकायदा करती थी, आर्थिक तौर से भी करती थी और उसको ध्यान में रखती थी। मुझे याद है कि जब भी कभी संदीप उस टाइम हुआ करता था, जब भी वो घर जाता था मैडम के यहाँ, तो मैडम हमेशा उससे उसकी बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में पूछती थी और जब भी वो कभी घर जाता था तो उसको आर्थिक तौर पर मदद भी करती थी। तो ये मैडम का इस प्रकार का करुणा हृदय था। और मैं विश्वविद्यालय के प्रति और विश्वविद्यालय की ओर से माननीय कुलपति महोदय के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता देता हूँ कि सर आपने इतने बड़े लॉस के बाद भी हमारे विश्वविद्यालय को समय दिया। मैं जब वहाँ गया था अहमदाबाद खुद, जो स्थिति देखी थी वो वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि सर जिस हालात में थे, सर ने अपने जो पर्सनल लॉस था उससे उभरते हुए इस विश्वविद्यालय को जो समय दिया, विश्वविद्यालय इसके लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा सर। अंत में मैं पुनः आदरणीय अधिष्ठाता महोदय और हमारे प्रभाकर सर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मंच पर बुलाया। धन्यवाद सर। धन्यवाद अमित जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अनुभवों की बहुत ही लंबी श्रृंखला है और मैडम का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि हर कोई उनसे स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करता था। उनके विषय में, उनके जाने के बाद ये पंक्ति बरबस हम लोगों को याद आता है कि दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। बिल्कुल ये पंक्तियाँ जो हैं उन पे सटीक, उन पे जो है बैठता था। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने विशिष्ट अनुभव, स्मृति अनुभव के लिए मैं श्री राजीव चौबे जी को आमंत्रित करूंगा। ये हमारे यहाँ के लोकल एक तरह से अभिभावक हैं और सर का एक प्रेम रहा है, स्नेह रहा है। मैं आदरणीय सर को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय सर, मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री त्रिपाठी जी, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री रामदेव भारद्वाज जी, हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर रजनेश्वर शास्त्री जी, नवीन मेहता जी, यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, नवीन जी ने कुछ दिन पहले ही फ़ोन करके सूचना दी कि ऐसा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैंने कहा नवीन जी, मुख्य रूप से मैं वक्ता तो नहीं हूँ, फील्ड में काम करने का अनुभव है तो वही करता हूँ। फिर भी नवीन जी बोले, नहीं, आपका शास्त्री जी के परिवार के साथ बड़ा निकट का संबंध रहा है और केवल आप ही उनसे संबंधित कुछ स्मृतियों को ताज़ा करेंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। मेरा शास्त्री जी और मैडम से परिचय की शुरुआत होती है, यहाँ डीन थे प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, वो मेरे 12-15 वर्ष पुराने मित्र थे। भारतीय इतिहास संकलन समिति के अनेक कार्यक्रमों में हम लोग मिलते रहते थे। जब वो यहाँ आए तो हम लोगों की भेंट सहज रूप से होने लगी। एक बार लाभ जी ही कुलपति जी को और मैडम को मेरे पास मेडिकल स्टोर लेके आए, वहाँ हमारी पहली भेंट हुई। उसके बाद सहज रूप से अनेक भेंट होना शुरू हुई। मुझे याद आता है कि एक बार मैं और मेरी पत्नी और लाभ जी तीनों ही कुलपति जी के यहाँ मिलने गए, पर उस समय शायद
आराम में थे। अटेंडेंट ने बताया अभी आराम कर रहे हैं, पर अंदर मैडम ने शायद आवाज़ सुन ली हम लोगों की, तो तत्काल खोल के बाहर आईं। उन्होंने वेलकम किया और बोली कि नहीं चौबे जी, जब भी आप आते हैं तो संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, आधी रात को भी आप आते हैं तो ये मान के चलिए कि ये मेरा घर है, यहाँ की वास मैं हूँ और आपके लिए ये दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो इतना सरल और सहज उनका स्वभाव रहा। इसके बाद हम लोगों ने रायसेन जिले के इतिहास और पुरातत्व पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की। मैंने मैडम से आग्रह किया, मैडम एक पेपर यदि आप पढ़ती हैं हमारे राष्ट्रीय संगोष्ठी में तो हमारा भी जो है उसमें चार चांद लग जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो मेरी पुस्तक थी युग युगीन रायसेन, उस सारी कुछ उन्होंने लेकर एक आलेख पढ़ा और पढ़ने के बाद मंच से कहा कि भाई आलेख जरूर मैंने लिखा है और पढ़ा है, पर इससे संबंधित प्रश्न यदि कोई करना चाहता है तो वो राजीव चौबे जी उसके जवाब देंगे। फिर मैंने कहा रायसेन जिला इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से बड़ा धनवान है, अब आप लोग यहाँ हैं तो कुछ यहाँ के स्थान देखना शुरू कीजिए। एक बार हम लोग राम छज्जा शैलाश्रय देखने गए। यहाँ के कुछ छात्रों को और शिक्षकों को अनुभव है राम छज्जा कितना कठिन है वहाँ जाना। शास्त्री जी भी थे, मैं था, हमारी पत्नी थी, मैडम थी। एक शैलाश्रय में घुटने में उनको तकलीफ रहती थी लगातार, उनके लिए चढ़ना कठिन था, पर वो चढ़ के गईं बड़ा रुचि लेके। उन्होंने देखा काफ़ी देर हम उस शैलाश्रय में बैठे और उतरते समय थोड़ी ज़्यादा कठिनाई थी, तो मैं लगभग उल्टा चलता हुआ हाथ से उनको पकड़ते हुए धीरे धीरे उतारा। पर उतने कष्ट के बाद भी बोली बराबर कि नहीं, बहुत आनंद आया, ऐसी जगह जहाँ आदि मानव रहता था उसने चित्रकारी की, इसको देखने का अवसर आपकी वजह से हमें मिल गया। यहीं घुटने की वजह से उनको दिक्कत आती थी कि क्या इलाज हो कैसा हो, कहती थी एलोपैथी से लाभ नहीं मिलता। तो हमारे रायसेन में एक होम्योपैथी के चिकित्सक हैं गिरीश महेश्वरी, मैंने उनका सजेशन दिया। तो जब तक वो रहीं लगातार स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत होती थी तो शास्त्री जी और मैडम उन्हीं के पास जाते थे। और आखिरी बार भी जब उनको सीने में दर्द और घबराहट हो रही थी तो वो उनको ही दिखा के आए। उन्होंने राय दी कि ECG वगैरह इसका कराना ज़रूरी है। और फिर ECG वाले डॉक्टर मुझे लगता है कि थोड़ा गलती कर गए, उन्होंने कहा कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह है, जाइए आप सफ़र कर सकते हैं कर्नाटक का। और वो गलती निश्चित रूप से भारी पड़ी, वो थोड़ा पहले समझ में आ जाता तो शायद कुछ बचाव हो सकता था उससे। इसके बाद हम लोगों ने एक बार भोजपुर की यात्रा की, वो मंदिर देखा। उसके बगल में ही फिर एक नया स्थान है आशापुरी, जहाँ 600 वर्षों तक निरंतर मंदिरों का निर्माण चलता रहा, सैकड़ों मंदिरों के अवशेष, हजारों की संख्या में मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं, वो भी एक बार हम लोग देख कर आए। निकट का एक महादेव पानी जगह है, बरसात में वहाँ खूब एक छोटा सा जलप्रपात चलता है, पहाड़ से ऊपर नीचे उतर के जाना पड़ता है वहाँ। उसमें भी मैडम कुलपति जी हम लोग सब नीचे तक उतर के गए, देख के आए, उसका पूरा आनंद हमने लिया। फिर मौका आता है हम लोग की एक लेह लद्दाख यात्रा का, लगभग 10 दिन की वो यात्रा। उसका कारण तो निश्चित रूप से मैडम ही थी, एक बार चर्चा हो गई थी एक हमारे राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान कि लेह लद्दाख चलना है, तो हम 9 लोग उस यात्रा में गए थे। शास्त्री जी थे, मैडम थी, मैं था, मेरी पत्नी थी, 2 लोग औरंगाबाद से थे, 2 कोल्हापुर से थे और माननीय गाडगिल जी पुणे से थे। तो वो यात्रा तो मुझे लगता है कि कुलपति जी की स्मृति में भी होगी कि ऐसी यात्रा शायद जीवन में दोबारा करने को हमें नहीं मिलेगी। पूरा एक माइनस टेम्परेचर, उसके दौरान भी वहाँ चलना, घूमना, लगातार रुकना भी वहाँ, हम लोगों का महाबोधि सोसाइटी के संग सैन जी थे उनके यहाँ हुआ, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी एंड मेडिटेशन सेंटर था वो, लाभ जी ने ही वहाँ हम लोगों के रुकने की व्यवस्था फ़ोन पर ही करवाई थी। लगातार वो पूरी चिंता करती थी सबकी,
मेरी आदत थी कि मैं उतनी ठंड में भी एक शर्ट में ही रहता था। पैदल चल के बड़े ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते थे तो लगातार पत्नी से शिकायत करती थी कि देखो क्या कर रहे हैं शोभ जी, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, कुछ हो जाएगा। तो बड़ा सरल और सहज स्वभाव, सबकी चिंता करने वाली। विद्यालय में भी मुझे याद है कुछ यहाँ के स्टूडेंट, कुछ यहाँ के प्राध्यापक लोग, वो कहती थी कि भाव विश्वविद्यालय का प्राचीन गुरुकुल की तरह होना चाहिए। मेरी भूमिका यहाँ इन लोगों की माँ की तरह है। और लगभग सबको वो कहती थी, कोई चिंता हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, मेरे पास आओ, मैं करूँगी निवारण, करती थी वो बराबर। ISBS की वो कॉन्फ्रेंस याद है मुझे, प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ जी कह रहे थे कि मेरी बड़ी बहन और प्रोफेसर सुनिंदा शास्त्री, यद्यपि उनका स्वास्थ्य खराब है फिर भी वो इस कॉन्फ्रेंस में आई हैं, उपस्थित हुई हैं, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद अचानक उनका कर्नाटक जाना हुआ और रात को नवीन जी का मेरे पास फ़ोन आया कि चौबे जी ऐसी हृदय प्रदारक दुर्घटना हो गई, विश्वास नहीं हुआ सहसा कि ऐसा हो सकता है। तो मेरी पत्नी का तो कहना यही था कि ऐसे लोग इनको तो मृत्यु कभी आना ही नहीं चाहिए, ये लोग तो समाज को लगातार कुछ ना कुछ देने वाले लोग हैं, लेकिन ईश्वर की नियति कौन टाल सकता है, वो हम लोगों के बीच में से गई। पर आज भी हमें लगातार ये एहसास होता है कि वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ उनकी विभिन्न पिकनिक जो हुई, यात्राएं हुई, उसके ढेर सारे चित्र हैं, वो हमेशा उनकी स्मृति ताज़ा कर देते हैं। और निश्चित रूप से वो ऐसा व्यक्तित्व थी जिन्हें हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बस इतना ही मैं कहता हूँ, धन्यवाद। इतना आपने मुझे बोलने का अवसर दिया नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैडम के विषय में जितना कहा जाए वो कम ही है। जब भी हम परेशान होते थे तो वो कहती थी कि एक मंत्र है, इस मंत्र को याद कर लो, आगे आगे गोरख जागे। तो मुझे लगता है कि प्रायः हम सब लोग इस मंत्र को पाठ करते थे कि जब भी समस्याएं हों, जब विपरीत हालात हों, तो इस मंत्र के उच्चारण से जो है एक शक्ति मिलती है। और संभवतः निश्चय ही जो है वो शक्ति हम सब में विद्यमान है, आज भी उनके उस प्रेरणा स्वरूप जो है शक्ति विद्यमान है। चूँकि ज्ञान के लिए समर्पित ज्ञानात्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि ज्ञान यज्ञ द्वारा ही हो सकता है। आज के इस ज्ञान यज्ञ के प्रधान होता प्रोफेसर डॉक्टर रामदेव भारद्वाज महोदय, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को मैं आमंत्रित करूँगा कि वो अपने वक्तव्य से हम सबको कृतार्थ करें। सुनंदा शास्त्री जी की स्मृति में सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा यह जो स्मृति आयोजन किया गया है उसमें इस विश्वविद्यालय को उपस्थित सभी सुधीजन, विश्वविद्यालय के कुलपति यज्ञेश्वर शास्त्री जी, यहाँ के कुल सचिव राजीव जी, चौबे जी, मेहता जी और यहाँ बैठे हुए सभी सुधीजन, मूलतः हम यदि विचार करें तो मनुष्य दो अवस्थाओं में जिंदा रहता है, या तो वो स्मृति में जिंदा रहता है अथवा भविष्य की परिकल्पनाओं में जिंदा रहता है। मेरा मानना है कि यथार्थ कुछ नहीं होता, एक क्षण के भी एक लाख करोड़ों अंश बांट दिए जाएं तो भी आप यथार्थ के दर्शन नहीं कर सकते, क्षणभंगुर है यथार्थ।
तो जिन स्मृतियों से आपने स्वयं को दीप्तमान रखा है और मुझे उनसे आभास कराया है, अनुभूतित कराया है, निसंदेह यह सब सुनकर मेरे मन में ऐसा लगता है कि वे विशुद्ध शुद्ध आत्मा थी और उनका जीवन न सिर्फ उनका था अपितु सभी के लिए था। वे स्वयं के लिए तो जिंदा रहती ही थी, अपने परिवार के लिए भी, लेकिन जो उनकी ध्येय निष्ठा, उनके व्यक्तित्व के जो कृतित्व वो छोड़ गए हैं, उनसे जो झलक मिलती है उससे ऐसा लगता है कि वो समाज की एक संचित निधि हैं, समाज की हमारी पूंजी हैं और हमें भविष्य में मार्गदर्शन देती रहेंगी। आप सब लोग सौभाग्य के धनी हैं निसंदेह, इसलिए कि आपने उनको देखा, उनके साथ कुछ क्षण बिताए, उनकी स्मृतियां आपके पास हैं। ऐसे मनीषी विदुषियों के जो तपश्चर्या है उसका आशीर्वाद आपको मिला है निसंदेह। सांची विश्वविद्यालय के इस गुरुकुल में कुल गुरु के साथ साथ कुल माँ के रूप में आपको जो सुनिंदा शास्त्री जी मिली, मैं कभी उनसे मिला नहीं और आज के पहले न कभी मैंने उनके बारे में इस रूप में सुना था। बैद्यनाथ लाभ जो मेरे मित्र हैं जो यहाँ रह चुके हैं, वे प्रायः चर्चा करते थे, मैं उन्हें अपनी ओर से नमन करता हूँ, श्रद्धा व्यक्त करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो आपको मिला है उसमें से कुछ मुझे भी मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। डॉक्टर मेहता से दो दिन पूर्व जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आप आइए और कुछ बोलिए, संदर्भ भी उन्होंने बताया, लेकिन मैं सोचता रहा कि मैं क्या बोलूँगा। ऐसे अवसर पर कुछ बोलना, फिर उन्होंने बताया, सुझाया कि आप शिक्षा, समाज, संस्कृति, शिक्षक, इनसे मिलता जुलता कोई विषय रखें तो अच्छा लगेगा। मैं मूलतः राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, और उसमें भी इंडोनेशिया और चीन मेरा प्रिय क्षेत्र है। उस नाते मेरा जीवन बहुत सीमित है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद शिक्षा, शिक्षक, शिष्य और समाज, इसके संबंध में अपनी यदि कुछ बात रखूं, कुछ विषय रखूं, तो ठीक रहेगा।
ये जो चार शब्दों का मैंने उच्चारण किया है, शिक्षा, शिक्षक, शिष्य और समाज, मूलतः पूरा संसार यही है। इनके बिना संसार की कल्पना नहीं कर सकते। इनके बिना आप कोई जीवंत प्रतिमा भी नहीं गढ़ सकते, अतीत का कोई आख्यान भी नहीं ले सकते और भविष्य का कोई स्वरूप भी निर्धारित नहीं कर सकते। मैंने जब शास्त्री जी से फ़ोन पर बात की, प्रायः हम राजभवन में मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमेटी में मिलते हैं, और अभी जब मॉरिशस से आ रहा था और आप चीन से वापस आ रहे थे तब भी मेरी भेंट हुई, तो निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व में एक नया उल्लास उल्लादित करने वाला विकीर्णन है। आपने महसूस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन आदि शंकराचार्य के संबंध में जो व्याख्यानमाला भोपाल में होती है उसमें मैंने उनको सुना था। मेरी पत्नी भी वहाँ थी, बेटा भी था, बेटी भी थी। एक जो शिक्षक में गुरुत्व का जो भाव है, गुरुत्व की जो गरिमा है, या गुरुकुल में गुरु का जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, वो ऐसे ही व्यक्तित्व से परिपूर्ण होती है। शिक्षक बनना तो सरल है, लेकिन शिक्षकी दायित्व का निर्वाह करना बहुत कठिन है। आज आप बीएड कर लें, एमफिल पीएचडी नेट की परीक्षा कर लें, शिक्षक बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन आपकी परिधि, आपका सोच क्या आत्मकेंद्रित है, आत्मोन्मुखी, आत्मोत्थान के लिए है, अथवा समाजोन्मुखी और राष्ट्रोन्मुखी है? यह एक कंट्राडिक्शन हमें आज के युग में देखने को मिलता है। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसमें भी भटकाव और बिखराव देखने को मिलता है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो अहम और पवित्र पहलू हैं, उनमें शिक्षक एक मित्र है, शिक्षक एक मार्गदर्शक है, शिक्षक एक पथ प्रदर्शक है, और शिक्षक आपके व्यक्तित्व को निर्माण करने वाला एक ऐसा पुरोधा है, आपको पता नहीं लगता उसके स्पर्श से, उसकी वाणी से, उसके मार्गदर्शन से आपकी कौन सी कुंडलिनी जागृत हो जाए और आप अपने आप को पहचान न सकें। ऐसा जो भाव है जिसमें गुरु और शिष्य परंपरा हजारों वर्षों से भारतवर्ष में विकसित हुई, उसी परंपरा को निर्वाहन करने के लिए यह जो विश्वविद्यालय बना, लेकिन आज हम देखते हैं कि यह धीरे धीरे, यह जो अतीत का गुरु शिष्य का ताना बाना है वह छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है। मूलतः जो कुछ पांच आधार स्तंभ हैं जिनमें विश्वास, धैर्य, संयम, अनुशासन, दिशाबोध
संवाद यह सब एक शिक्षक के ज्ञान की पूंजी है। और इन सभी चीजों को यदि शिक्षक शिष्य में रूपांतरित करता है, स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, और यदि कहें तो शक्तिपात करता है, तो वह सही अर्थों में शिक्षक है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, इसे एक आलोचक के रूप में मत लीजिए, आलोचना के रूप में मत लीजिए। लेकिन क्या वर्तमान में हमें ऐसा देखने को मिलता है? शिक्षक में आत्मीयता के स्थान पर शिष्य के प्रति, शिष्य में अनुशासन के स्थान पर कौन सा अंकुरण हुआ है यह बताने की जरूरत नहीं। आत्मीयता विलुप्त है, अनुशासनहीनता हावी हो गई है। क्लासरूम की नेगेटिविटी जो नकारात्मकता है वह आच्छादित है। स्वयं को समझने और स्वयं को समझने के बाद समझाने की, संप्रेषण की जो क्षमता है वो विलुप्त हुई है। शिक्षा और शिक्षकीय दायित्व में जो औपचारिकता है वह इतनी हावी हो गई है कि कोई किसी के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण और प्रेम, अनुराग, स्नेह, सौहार्द बचा ही नहीं। हम पाठ्यक्रम में बंध गए हैं, डिग्रियां प्राप्त करने की लालसा में, और उसमें भी उच्चतर उच्चतर अंक प्राप्त करने की लालसा में हम कितने पतित हो गए हैं, या अन्य समाचार पत्रों में हमें देखने को मिलता है, सूचनाएं हम तक आती हैं। धैर्य के स्थान पर प्रतिशोध विकसित हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो काल अवस्था के कारण जो ग्रोइंग माइंड सेटअप है उसको शिक्षक समझने में कहीं चूक गया, अथवा अपने ज्ञान को रूपांतरित करने में कहीं चूक गया। शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का सृजन करती है, लेकिन ना तो अब ऐसे शिक्षक हैं जो समर्पण, त्याग, स्नेह, वैराग्य से अपने पास में जो है वह दूसरे को दें, और ना ऐसे शिष्य हैं जो उसे उसी रूप में स्वीकार करें। निश्चित तौर पर जैसा मैं भी कर रहा हूँ, समाज के सभी वर्गों से, समाज के सभी क्षेत्रों से शिक्षक के ऊपर निरंतर प्रहार हो रहे हैं।
समाज में व्यभिचार होता है, समाज में हिंसा होती है, समाज में कोई उत्पात मचता है, या हमारा आंतरिक जो ढांचा है वो टूटता है, हमारे अंतर संबंध बिखरते हैं, तो लोग कहते हैं कौन से कॉलेज या स्कूल में पढ़ा है, इसको इतना भी नहीं आता। हमारे संबंधों का ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है, सामाजिक संरचना, अधोसंरचना और मूल्य और मान्यताएं द्रोहित हो रहे हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है, जो विद्यार्थियों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दे रही है। बहुत सी चीज़ों का आरोपण समाज में, जितने भी विकृतियां और बुराइयां हैं, चाहे हिंसा के क्षेत्र में हो, चाहे उपेक्षा, निंदा, तिरस्कार, घृणा किसी भी क्षेत्र में हो, लोग कहते हैं कि उनकी प्राथमिक शिक्षा ठीक नहीं हुई, उनको गुरु अच्छा नहीं मिला, योग्यता क्षमता तो उसमें बहुत है, इच्छा भी बहुत है, कर भी बहुत सकता है, लेकिन यदि सही गुरु मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो ये जो नकारात्मकता उसके मस्तिष्क में भरी हुई है वो सकारात्मकता में बदल जाएगी। यह सब कहाँ पैदा होगा, कौन पैदा करेगा? आसमान से नहीं आएगा, कोई फरिश्ता भी नहीं आएगा, कोई जादू की छड़ी घुमाने से यह सब चीज़ें नहीं आएंगी। यह सब बातें ऐसे ही शिक्षकों के संपर्क में, सानिध्य में, जैसा कि प्रोफेसर सुनिंदा शास्त्री की स्मृतियां जो आप लोगों ने यहाँ अभिव्यक्त की हैं, उनके सत्संग से आएंगे। यहाँ के कुलपति शास्त्री जी, उनके संपर्क से आएंगे। मुझे स्मरण आता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो का गजामाडा विश्वविद्यालय में दिया गया दीक्षांत भाषण, यद्यपि वह उन्होंने इंडोनेशियन लैंग्वेज में कहा, उसका फिर हिंदी, अंग्रेजी और दुनिया की अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। मैं मूलतः आपको उसी भाषा में सुनाई देता हूँ, समझ में आए अथवा ना आए। आंडा टीडा विशा मंगा जार आपा का आंडा ताऊ, आंडा टीडा विशा बा मंगा जार आपा का आंडा माओ, आंडा विशा संगा जार साया संडीरी आंडा सकाली। इट मीन्स यू कैन नॉट टीच व्हाट यू वांट। आप क्या चाहते हैं ये नहीं पढ़ा सकते। आप कभी अपनी कक्षा में पढ़ा कर देखिए, आप जो चाहते हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टीच व्हाट यू वांट एंड यू आल्सो कैन नॉट टीच व्हाट यू नो। आप वह भी नहीं पढ़ा सकते जो आप जानते हैं। यू कैन नॉट ट्रांसफर एंटायर नॉलेज टू योर स्टूडेंट। संप्रेषण के माध्यम से छात्र को देते हैं और वो कितना ग्रहण करता है ये उसके ऊपर है, लेकिन यू कैन टीच व्हाट यू आर। आप क्या हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी वाणी कैसी है, आपकी बोलचाल कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है, आपके अंदर किस प्रकार के भावों का संचार होता है, आप में वेदना है, संवेदना है अथवा आक्रोश है, आप क्रोधी हैं अथवा प्रेम
और धैर्य प्रिय हैं। आप कैसे हैं? आपको शब्दों में, किसी परिभाषा में, किसी दर्शन में, किसी नीति शास्त्र में खोजकर उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। जब एक प्रोफेसर अपने कॉरिडोर से गुजरता है, तो मैंने यहाँ तक देखा है, जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी रहा हूँ, कि लोग इधर उधर तितर बितर हो जाते थे, सर आ रहे हैं। यदि वह हमें यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे? उनके कपड़ों का पहनावा, उनकी बोलचाल, वाणी का लालित्य और माधुर्य अंतर मन तक घुस जाता था। और आदमी, व्यक्ति, शिष्य वैसा ही बनने की कोशिश करता था। हमारी गुरु शिष्य परंपरा में बहुत से शिष्य ऐसे हुए हैं जो गुरु को पीछे छोड़ दिए, सीखा गुरु से लेकिन गुरु से आगे निकल गए। इस परंपरा का जो क्षरण हो रहा है, यह परंपरा केवल हिंदुस्तान में है और कहीं नहीं है। इसका जो विध्वंस हो रहा है, अथवा दूसरे अर्थों में मैं यदि कहूँ तो इसको प्रयास पूर्वक इसको द्रोहित किया जा रहा है, इसको नष्ट किया जा रहा है हमारी शिक्षा, नई वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। तो आप इसे अन्यथा मत लेना। मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी नीति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को तो कहने का अधिकार रखता हूँ। लोग कहते हैं परिवेश बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं, मान्यताएं बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हमारे मन के अंतर भाव तो नहीं बदले ना। हमें वो भाव जो मनुष्य से और पशुओं से पृथक करते हैं, क्या हम वो भी बदल जाएंगे? उनको भी तिलांजलि दे देंगे? क्या हम भी अपना जीवन पशुओं की तरह जिएंगे? आहार निद्रा भय मैथुन च में अपनी जिंदगी को समर्पित कर देंगे? अपने हित, अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना और किसी के लिए कुछ नहीं, तब तो ये सब ब्रह्मांड सृष्टि, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक दिन के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। और यदि हम इसे बचाए रखना चाहते हैं तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मन की, अंतर मन की आवाज़ को सुनना सीखें, एकाग्र भाव से और शांत चित्त से पाठ्यक्रमों के अलावा, परीक्षा में प्रश्न का उत्तर कैसे देना है इसके अलावा, कौन सी नौकरी मिल जाएगी इसके अलावा, कहाँ धंधा पानी अच्छा चलेगा इसके अलावा, कब किसको धोखा दे के टांग खींच करके उसको ऊपर बैठ जाएं इसके अलावा, हम अपने मन की बात को भी यदि हम सुनते हैं, कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा, आपका मन आपसे ही बात करता है, आपका अंतःकरण आपकी चेतना से बात करता है, आपकी चेतना आपको स्फूर्तित करती है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मन, जिसकी चेतना उसको गलत काम करने से एक बार न रोकती हो, रोकती है। हम उसकी अनदेखी करते हैं, हम उसको उपेक्षित करते हैं। और जैसी धारा समाज में बहने लगी है, उसमें बहने लगते हैं और दोष देते हैं कि आज के विद्यार्थी कैसे हो गए, वो शिक्षक को नमस्कार भी नहीं करते, प्रणाम भी नहीं करते, आज के शिक्षक कैसे हो गए हैं, छात्रों से पैसा मांग के नंबर बढ़ाते हैं। बहुत साफ बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। आज की परीक्षाएं कैसी हो गई हैं, परिणाम पहले से ही तय होता है कि किसे गोल्ड मेडल मिलेगा। आज की प्रतियोगिताएं कैसी हो गई हैं, स्पर्धाएं कैसी हो गई हैं, जीतने वालों की लिस्ट पहले बन जाती है। यदि हम इस समाज में रहना चाहते हैं
या समाज हमारा हमें इस बात के लिए परमिट करता है तो हमें आरूढ़ हो जाना चाहिए, अंगत की तरह अपना पैर जमा देना चाहिए, हम इस समाज की इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले शिष्य और गुरु को ही आगे आना पड़ेगा। कोई आईएएस ऑफिसरी अधिकारी, कोई राजनेता, कोई व्यापारी, कोई मैनेजमेंट का गुरु सामने नहीं आएगा। और इसके लिए हजारों लोगों को आगे आने की जरूरत नहीं है, कुछ ही लोग आगे यदि आ जाएं, एक कहीं से चिंगारी लगे, सब जगह सूखा पड़ा हुआ है, आग लग जाएगी और इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में जो शिक्षक को गालियां मिलती हैं उसका उपहास और अनादर वो झेलता है, महसूस करता है, और नष्ट होगा, कमज़ोर होगा, उसकी दूरियां कम होंगी। मैंने वैसे बहुत सारा इस पर विचार किया, मैं केवल उन बिंदुओं को आपके सामने रखे देता हूँ, उनका विस्तार आप लोग स्वयं करें। शिक्षा आप देखते जाइए, क्या शिक्षा समाज से जुड़ी हुई है? शिक्षा का समाज के प्रति कोई सरोकार है? एक पॉइंट है, एक बिंदु है, शिक्षक का समाज के प्रति कोई सरोकार है? गुरु और शिष्य का परस्पर कोई सरोकार है? टीचर का पाठ्यक्रम के सरोकार के अतिरिक्त शिष्य के प्रति कोई दायित्व है? शिक्षा आत्मकेंद्र का विषय है, एकात्म विषय है? क्या शिक्षा पर एकाधिकार होना आवश्यक है? क्या शिक्षा सर्वाधिकारवादी होनी चाहिए? शिक्षा खंड खंड में दी जानी चाहिए जैसे पश्चिमी मॉडल है, या इंटीग्रेटेड एकीकृत दी जानी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, ब्रह्मांड, व्यक्ति, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन और उनका कुटुंब और उनका समाज और समाजों का समाज और फिर राष्ट्र, सबका अल्टीमेट सरोकार राष्ट्र के प्रति है। क्या इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है? शिक्षा और संस्कार, हमारी शिक्षा कौन से संस्कार हमको दे रही है? शिक्षा और साहित्य, कौन सा साहित्य शिक्षा के माध्यम से हमको परोसा जा रहा है? शिक्षा और संस्कृति, कौन सी संस्कृति का सृजन हो रहा है? शिक्षा और ज्ञान, क्या शिक्षा में ज्ञान के वो तत्व बिंदु हैं जिन पर भारत को नाज था? शिक्षा और स्वार्थ, शिक्षा और स्वार्थ, स्वार्थ के साथ शिक्षा का क्या संबंध है? शिक्षा और परमार्थ, शिक्षा और शिक्षा के विविध क्षेत्रों में उनके सरोकार। शिक्षा का जब अभाव होता है तो व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, और शिक्षा का जब प्रभाव और उसका अहंकार यदि व्यक्ति को हो जाए ज्ञान का, तो व्यक्ति कैसे तांडव करता है, हमें देखने को मिलता है। शिक्षा और कुंठा, क्या शिक्षा हमें कुंठित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती है? बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियरों की लाखों करोड़ों की फौज कुंठा में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वह राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना क्या योगदान दे रही है? क्या दे सकेगी? शिक्षा और भाव,
क्या शिक्षा हमारे अंदर उस प्रकार का मनोभाव पैदा कर रही है, हमारा मनोविज्ञान उस प्रकार से बना पा रही है? शिक्षा और औपचारिकता और अनौपचारिकता, औपचारिक शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस में जो हमारे पाठ्यक्रम है, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, आचार्य बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, लेकिन क्या हम मनुष्य बनेंगे, समाज के अंग बनेंगे, समाज के प्रति हम समर्पित होंगे? नहीं। शिक्षा और नैतिक मूल्य, शिक्षा लौकिक और पारलौकिक, रूढ़िवादिता और आधुनिकता, आधुनिकता और उत्तराधुनिकता, शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और आत्मविश्लेषण, शिक्षा और अंतःचित्त, ऐसे अनेकों आयाम जिनके प्रति आपका सरोकार है, यह तभी संभव हो सकता है जब आप इन छोटी छोटी कसौटियों पर अपने आप को कसें और देखें कि हम वहाँ कहाँ खरे उतर रहे हैं और कहाँ हमसे चूक हो रही है। इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि आज का यह आयोजन, यह कार्यक्रम निसंदेह हम सभी के लिए आत्मशोधन की दिशा तय करेगा और हम जो बहती हुई धारा है उससे पृथक कोई एक शुरुआत करेंगे और शिक्षा, समाज, संस्कृति और हमारे दायित्वों पर नए तरीके से, नई दृष्टि से सोचने और एक मूल्य गढ़ने का काम हम करेंगे। हमको ही करना है, कोई हमसे कहने नहीं आएगा, आपका मन आपसे कहेगा। एक बार यदि मन कहे तो उसकी अनसुनी मत करना, उसको अनदेखा मत करना। एक कदम आपने मन की कही हुई बात पर, अपने मन के कहे हुए मनोविज्ञान पर उठा करके देखना, निश्चित तौर पर उस कदम के साथ हजारों हजारों लाखों कदम आपका अनुकरण करेंगे और उनमें आत्मविश्वास का, आत्मबोध का और स्वाभिमान का संचार करेंगे। मुझे यहाँ इस स्मृति व्याख्यान में आमंत्रित किया, यद्यपि मैं कुलपति शास्त्री जी के सम्मुख अपने आप को बहुत ही बौना और छोटा समझता हूँ, हूँ भी, इसमें कोई दो मत नहीं है, ना संदेह है ना अतिशयोक्ति है। उनके सामने मुझे बोलने का मौका मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य और सुख का विषय है। मैं चाहता हूँ कि उनका स्नेह, उनका वरदस्त, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद और दिशाबोध मुझे जीवन में मिलता रहे, मैं भी कुछ अपने आप को, अपने चेहरे को उनके सामने देख सकूं, तो मैं भी अपने आप को कुछ धन्य मानूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शिक्षा, शिक्षक और समाज, इन तीनों आयामों को लेकर जो आपका वक्तव्य है वो न केवल समसामयिक है अपितु हम अध्यापकों के लिए एक सीख है कि कैसे शिक्षण के उन मूल्यों को बरकरार रखा जाए, कैसे गुरु शिष्य के बीच जो एक संबंध है उन संबंधों में जीवंतता, प्राणवत्ता लाया जा सके। एक बालक जब इस जगत में आता है तो उसके ज्ञान के लिए वो अपना चर्म चक्षु खोलता है, एक अध्यापक का कर्तव्य होता है
कि वो उसके मर्म चक्षुओं को खोले। तो ये चर्म चक्षु से मर्म चक्षु की जो यात्रा है ये कहीं ना कहीं आज क्षीण होती दिख रही हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होता दिख रहा है। एक स्मृति व्याख्यान जिसके स्मृति में जो है आज ये व्याख्यान आयोजित किया गया है वो कहीं ना कहीं उन मूल्यों को पोषित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन मूल्यों को कहीं ना कहीं हम अध्यापक हम छात्र जो है उसको हम स्मरण कर रहे हैं कि कैसे उनका एक पर्सनल टच होता था हम सभी के प्रति। और शायद एक शिक्षक का शिक्षण जो इसे कर्म तो नहीं हम कह सकते हैं, शिक्षण को जो है एक कर्म के रूप में तो नहीं कहा गया है, ये एक अपने आप में एक यज्ञ ही है, ज्ञान यज्ञ ही है। तो उस ज्ञान यज्ञ को हम कैसे पुनः जो है अपने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे उसे पुनर्जीवित कर सकें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। निश्चय ही हम अध्यापक इसके लिए प्रयत्न करेंगे। महोदय, आपको जान के हर्ष होगा कि सांची विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनः उसके आयामों को खोजने के लिए उसे हम कैसे आज के लिए प्रासंगिक युवा अनुकूल बना सकें, इसके लिए वैकल्पिक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई है यहाँ पर, और जिस पर हम काम भी कर रहे हैं कि कैसे हम अपने उस प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनः जो है स्थापित कर सकें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक चित्र भारतीय कला विभाग से मैडम के द्वारा समर्पित है, मैं आमंत्रित करूंगा कि मैडम के चित्र को जो है सर के माध्यम से उन्हें उसका एक उद्घाटन कराएं। आइए मैम, आप भी आ जाए। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर को आमंत्रित करूंगा कि वो नारियल और सॉल के द्वारा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें उन्हें सम्मानित करें। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र सर, उसको खोल। मैं तीखे सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज के हमारे सारस्वत अतिथि श्री राजीव चौबे सर को सॉल श्रीफल द्वारा सम्मानित करें। कार्यक्रम के अंत में मैं अपने विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलसचिव महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वो आभार प्रकट करें। नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मम, धर्मः सनो यत्र न सत्यमस्तु, सत्यम न तद् यच्छलम् अभ्युपैति। मतलब वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो। वृद्ध से यहाँ तात्पर्य है वयोवृद्ध से न होके ज्ञान वृद्ध से। और वो वृद्ध नहीं है जो कि धर्म को न कहें, और वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, और वो सत्य नहीं है जिसमें छल भरा हुआ हो। चूँकि मैं पूर्व परिचित नहीं हूँ माननीय शास्त्री जी का, लेकिन जैसा मुझे अभी सुनने में मिला है उसी के आधार पर मैंने पूर्वोक्त श्लोक बोला है, और उसी क्रम में
जिस तरह का उनका आचरण बताया गया है, मुझे संस्कृत का एक श्लोक और याद आ रहा है, वो है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो मुझे तो धीर विदुषी महिला मालूम पड़ती है, फिर भी अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिनकी स्मृति में आज यह व्याख्यान आयोजित किया गया है, उन कीर्तिजीवी पुण्यात्मा के प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन एवं प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। प्रोफेसर सुनंदा शास्त्री जी से मेरा व्यक्तिगत संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए उनके विषय में मेरी संपूर्ण अवधारणा और जानकारी सुनी सुनाई है। इस विश्वविद्यालय का कुलसचिव होने के नाते कुल में जो उनके प्रति प्यार और सम्मान है, उसको मैं न केवल अनुभव कर रहा हूँ अपितु दिव्यात्मा के साथ स्वयं को भी समरस कर पा रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम उस दिव्यात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनकी स्मृति में आज यह व्याख्यान आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी के प्रति हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। उनकी आपकी उपस्थिति और वक्तव्य निश्चय ही विश्वविद्यालय परिवार के लिए औषधि का कार्य करेगा। सांची विश्वविद्यालय के कुलपति परम श्रद्धेय प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय यूं ही प्रगति पथ गामी बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। अपने स्मृति शेष से हमारे भावों को सींचने वाले श्री राजीव चौबे जी के प्रति भी मैं स्वपक्ष से एवं विश्वविद्यालय पक्ष से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सांची विश्वविद्यालय के हमारे गुरुजनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों एवं छात्रों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में सभी ज्ञात अज्ञात लोगों का, जिनका इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग है, उन सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। पुनः पुनः धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धन्यवाद सर। अब मैं समवेत शांति पाठ के लिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने जगह पे खड़े हो जाएं और हम शांति पाठ करेंगे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।